राम राम सभी भाइयों, मैं आपको थोड़ा जीपुर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश सांसद है रवि किशन जी, जो बिहार के एक्टर हैं, उनका एक बयान देख रहा था मैं, चेक करा मैंने सोशल मीडिया पर, उनका बयान बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये बयान उनका किस तरीके से बयान था कि 2014 से पहले हमारे देश में कुछ नहीं था। उस पर हमारे एक भाई साहब ने रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छा कमेंट मतलब रिप्लाई दिया है, और वो सामने आके बोल भी रहे हैं। तो आप एक बार देखिए इस चीज को। देश 2014 के पहले न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का, ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए। बिल्कुल कुछ नहीं था उससे पहले। आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई घोड़ा था, कुछ नहीं था। एरोप्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती, कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हा हू हुलालू, हा हू हुलालू भाले लेके हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी आए, जिन्हें बताया सेल फोन क्या होता है, ये पेड़ मोदी जी ने उगाए, ये हवाएं मोदी जी ने बनाई, ये सूरज चांद भी। तो देखा दोस्तों आपने, रवि किशन जी क्या बोल रहे हैं। ये भैया चुनाव के माहौल में ऐसा बना देते हैं माहौल को कि जैसे कि 2014 के बाद में ही सब कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि रवि किशन भी 2014 के बाद में ही पैदा हुआ होगा, उससे पहले उसकी माँ ने मना कर दिया। और शायद रवि किशन जी को ये याद नहीं है कि 2014 से पहले, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। मैं उनको याद दिला दूं कि वो कांग्रेस पार्टी में थे। वो हमेशा बोलते कि कांग्रेस पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी, एक फलाना पार्टी है, लेकिन जैसे ही माहौल बदला उनके लिए नारायण नारायण मोदी नारायण मोदी नारायण होने लगी है। बीजेपी अच्छी होगी उनके लिए, कांग्रेस बुरी हो गई है। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश में से सांसद हैं। और भैया सुना है मैंने कुछ दिन में वो जनकंत्रता वाली भी लेने के लिए आने वाले हैं, वो जोड़ा लहसुन जो भी लाएंगे, ठीक है ना। आप इस लायक ही नहीं हो, अपने बिहार में तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में आ गए हो।